तो देखो कारण क्या बता रही है कुंती। बेटा देखी ध्यान सुनो रे, दुख में मीनी ध्यान लगाए, जब जब तू खपरे कुंती अपे सबई भाज कन्हैया आए। और आज राज वंश को सब सुख दियो, सुनना किस लिए मांगा दुख के भगवान को हम और आप याद करते हैं दुख में। हमारे विद्वानों ने लिखा भी है कलम से, सुखम दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करें न कोई, भगवान की। आज भगवान कन्हैया कुंती बुआ से कह रहे हैं, बुआ तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा मैं, रथ से पैर पीछे हटा लिया, सबसे कह दिया मैंने तुमसे कह दिया कि जब विदा होकर के जाऊं तो रोना मत, द्वैध नह गए ने ठो, तो कल मेरे सामने कोई मत आना, ना मैं कल किसी को बता के जाऊंगा। भगवान लौट के फटर, अब रात को सोच रहे हैं कि मैं अब ऐसे सावत नहीं करूं कि न तो इंतकाऊ तिकाऊ न काऊ जगाऊ, और इन्हें कोई न कोई रोज एक दिन आवत रहे। भगवान शांति पूर्वक सो गए। भगवान अब जाखन चौथो भाग लगोए सवेरे को, सोची के लाओ अब लिख जाऊं, अब जे सब सो रहे तो भगवान ने रथ जुड़वाया, और कन्हैया जब जाने को तैयार हुए श्रोता बंधु तो न तो कोई सामने आया न कोई जगह भवन में, अपने नगर द्वारका के लिए जाना चाहते थे, रथ की डाली का जब एक हाथ रखा डंडी पकड़ी है तो एक कदम तो रथ में पहुंच गया था और एक कदम धरती पर रह गया, बस जब दूसरा कदम उठाना चाहते थे उस समय भगवान को ध्यान क्या आया, ध्यान आया कौन सा, अरे पैर उधर जब बाहन पे और चलन लगे बना खोए जब बाहन पे
आज सत्युग से लेकर कलयुग तक आज तक हुआ नहीं। और ऐसा वीर 58 दिन हो गए हैं और तीरों की नोक पर सो रहा है वो कृष्ण। अगर तुम नहीं होते तो ये दोनों दल मिलके भीष्म का बाण बांका नहीं कर सकते। आज तुम्हारी खातिर वो छत्री बाणों पर पड़ा हुआ है और इनको राजा बनवा दिया और तुम अपने घर को चल गए। भगवान का पैर रुक गया, फांके भाई रुक गए एकदम। अरे पीछे कदम धराए अपनो सोई आज ब्रह्म की आई रे और ब्रह्मचारी को ध्यान करो पीछे तू कदम हट जाई।